लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ दो बहुत ही प्रमुख मेहमान हैं, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम कश्यप साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और उनके साथ कार्याध्यक्ष बाबा मार्तंड जी उपस्थित हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो कोली मछुआरा समाज है, देश भर में अलग अलग नामों से उपनामों से जो देश भर में फैला हुआ है, उनकी स्थिति क्या है, किस तरह उन्हें न्याय और अधिकार दिलाने की कोशिश चल रही है पूरे देश भर में, उनकी परिस्थितियाँ क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, इन तमाम सवालों पर हम आज मंथन करेंगे और आप दोनों प्रमुख मेहमानों से जानने की हम कोशिश करेंगे। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम कश्यप साहब आपसे जानना चाहूँगा कि देश भर के मछुआरा, कोली, निषाद, कहार और आदिवासी समाज के लिए आप काम कर रहे हैं घूम घूम कर देश भर में, उनकी परिस्थितियाँ क्या, आज़ादी के 75 साल बाद उनकी हालत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस समाज के साथ में एक तरह से बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज अगर मैं एक ही वर्णन करूँ आपके साथ में, कालाहांडी एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे समाज के लोगों की इतनी दुर्दशा है कि 3 टाइम में 2 टाइम भोजन मिलता है। अच्छा। और यहाँ तक कि मेरी जो बहनें हैं और मेरी माताएं हैं, एक साड़ी के 2 टुकड़े करके पहनती हैं। अब उसमें उस महिला का कैसे अंग ढकता होगा, आप ये देखिए। इससे बड़ी दयनीय स्थिति मेरे ख्याल में देश में नहीं है। आप कह रहे हैं 75 साल बाद, मैं कहता हूँ 75 नहीं, 100 साल बाद भी ये स्थिति बनी रहेगी। क्यों? कि सरकार के पास इच्छा शक्ति है ही नहीं। वो पूंजीवाद जो पूरे 7 आदमी को नौकरी लगातार मात्र 500 रुपये देता है, कुछ भी करो आप 500 रुपये में दूंगा, ये कालाहांडी का आज भी स्थिति है। अच्छा। पूरे देश के अंदर कोस्टलैंड, इनलैंड, ऊपर का कहीं भी चले जाएं हम, ये बेचारे गरीब लोग या तो नदियों किनारे रहे, वहाँ पर सिंगाड़े, खरबूजा, तरबूज, जो भी ककड़ी या एग्रीकल्चर वो किया, और उसके बाद में कोई तालाब हुए तो वहाँ पे मछलियों का पालन किया, कोई नदी है तो उसमें किया। अब स्थिति ये हो गई आज की तारीख में, वो भी नहीं रही। अच्छा। एक तो ये जो धंधा है, ये मल्टी जो नेशन कंपनियाँ उनको चला गया। अच्छा। अब हम बिल्कुल बगल में रहते हैं तो समुद्र के बगल की जो ज़मीन है सरकार ने सन एंड सैंड के नाम से किसी नाम से बेच दी, तो नाव खड़ी नहीं हो सकती। 25 किलोमीटर के बाहर में मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, गोलियां चलती हैं। हमारा आज में थोड़ा सा भी आगे चला गया तो गोलियां चलाती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां। इतनी दुर्दशा मेरे ख्याल में देश के अंदर कहीं भी नहीं हुई होगी। यहाँ तक कि आप देखिए कि जब हमारा माल एक्सपोर्ट होता है, आज की तारीख में 85,000 करोड़ रुपया सरकार ने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने हमें फिशरीज डेवलपमेंट के लिए दिया है, फिशरीज वेलफेयर के लिए दिया है वर्ल्ड बैंक ने। आप देखिए उस पैसे को हम ले नहीं सकते, इतने जो उसमें फॉर्मेलिटीज की गई है वो हो ही नहीं सकते। अच्छा। आप देखिए जैसे मान लो मैं हूँ, अब वो कहते हैं गिरदावरी लाइए, आप कैसे हैं? गिरदावरी कैसे आएगी? अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड होती तो उसमें नाम होता कि धन्नालाल जी कार थे, उनका बच्चा राजाराम कहार है, लेकिन हम तो सर्विसों में रहे तो हमारी कोई गिरदावरी हुई नहीं, और गिरदावरी नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं बने। तो हमारे साथ जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो हुआ है, ये छलावा है। एक तरह से यूँ मान लीजिए कि जो प्रशासन था उस प्रशासन ने मंत्रियों को अपने हिसाब से डील किया, हमारे हिसाब से नहीं, समाज के हिसाब से नहीं, सरकार के हिसाब से नहीं, और न ही समाज के कल्याण के हिसाब से। उनके जितना भी वो एयर कंडीशन में बैठे अपना काम किया और चले गए। उनके 5 अगर फाइलें तो 5 फाइलें जो DS ने लिख दिया, डिप्टी सेक्रेटरी ने, वही यस करके और आगे भेज दिया गया। मंत्री लेवल का IQ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी भी देश के अंदर पर्याप्त नहीं है। कोई भी मतलब मंत्री जो है ना, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, सेंटर की थोड़ा सा बात छोड़ दें, 15-20% वहाँ पर जो लोग जाते हैं क्रीम जाते हैं, बाकी स्टेटों में तो बहुत बुरी हालत है। मैं एक एग्जांपल दूँ कि हमारे राजस्थान में एक भीखा भाई थे, वो सीधा मतलब ISO कहा करते थे, बड़े बाबू इधर आओ इस पर लिखो, कई जगह कैसा भी प्लान में नहीं आती कि प्लान व्लान कुछ नहीं होता, मैं जो कहता हूँ होता है। अच्छा। तो ऐसा दबंगर अधिकारी है तो हो जाए, लेकिन आज सरकार का जो ढोलमोल रवैया है कि जब सेक्रेटरी खड़ा है वो उसकी तरफ देख रहा है, वो बोले जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो तो वन साइडेड बताएगा। उस गरीब का क्या हुआ? आज देखिए यहीं पर आपके महाराष्ट्र में कोली को सर्टिफिकेट देने के लिए सरकार के विद्यमान है नियम, लेकिन फिर भी वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा,
इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन है वो कॉपरेट ही नहीं कर रहा, कॉपरेट नहीं कर रहा। इन स्थितियों के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकार को इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी, जब धारा 370 लग सकती है, एसीसी बन सकते हैं, तो यहाँ भी कम से कम सरकार को नीचे के तबके को समानता लाने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसकी गरीबी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो ये तय है कि ये जो बहुत दलित समाज है ये कभी ना कभी ऊपर आएगा। मैं तो देखिए माननीय ठेंगरी जी का शिष्य रहा हूँ और वो एक बात कहा करते थे, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गंवा कर कर सकते आराम। जैसा कि कश्यप साहब कह रहे हैं कि जो इच्छा शक्ति है वो नहीं है नेताओं में, खासकर अधिकारी करना नहीं चाहते, यानी ब्यूरोक्रेसी की मनमानी जो है चलती है, तो ऐसे रक्षकों को आखिर ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं देना चाहते उनका अधिकार, क्यों नहीं उनको सम्मान देना चाहते, क्यों नहीं उनकी योजनाओं का लाभ उन तक देना चाहते? कम्युनिकेशन गैप। अधिकारी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जो मजदूर वर्ग है जिसके लिए योजना बनी है वो कुछ नहीं जानता है। अच्छा। आपने गजट में क्या पब्लिश किया है उसके हिसाब से आपने क्या एक्शन प्लान बनाया है, वो एक्शन प्लान का पैसा कैसे आएगा, किधर आएगा, किसी को मालूम नहीं है ठीक से। ठीक है, आप एक से दो स्टेप पे जाएंगे वहां जाकर के पूरा काम रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को ही नहीं मालूम है कि अभी कौन सी योजना चल रही है। मैं आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, भारत सरकार की वेबसाइट पे आपने देखा होगा कहीं पे भी झंडा बांधने का कोई वीडियो है कि आज झंडा कैसे बांधना है? नहीं। आपने झंडा संहिता डाल दिया उस पे, चार आदमी ऐसे खड़े होंगे, तीन आदमी ऐसे खड़े होंगे, क्या आपने झंडा कैसे बांधना है नियम से, क्या ये है? मेरे ख्याल से नहीं। कई बहुत बारीक चीजें हैं जिन पे काम होना चाहिए। तो जहां तक गजट पब्लिकेशन की बात और उसके पहुंचने की बात है, तो बीच की जो कड़ी होते हैं वो होते हैं हमारे सामाजिक नेता। सामाजिक नेतागणों को, वो तो पब्लिक फिगर रहते हैं, ठीक है, वो जनता की आवाज को पहुंचाते हैं, वो सही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जा करके अधिकारी और नेता के बीच में वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। कहीं ना कहीं पे अध्ययन की कमी, अधिकारियों को आप ये नहीं बोल सकते कि वो निष्ठावान नहीं है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, कागज में लिखा हुआ आता है वो बराबर से रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा। एक बार के बाद, दो बार के बाद वो जाग जाते, क्योंकि आरटीआई है 2000। तो इसका मतलब नेता निष्ठावान नहीं है? नेता निष्ठावान है, पूरी तरह निष्ठावान है, क्योंकि आप जनता से कागज आया, उन्होंने कागज पढ़ा, लाखों जनता है, हर अपनी बीमारी लेकर के आते हैं, हर कोई अपनी समस्या लेकर के आते हैं, कागज पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अधिकारियों के पास, ठीक है, लेकिन उसका फीडबैक क्या सिस्टम है, कौन सा कागज कहाँ पहुंचा, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कोई फॉलोअप नहीं होता, कोई फॉलोअप नहीं है। ये बेसिक समस्या है हमारे भारत देश की, इसलिए पेंडेंसी ज्यादा है। एक एक कागज का सॉल्यूशन निकल सकता है एक बार में। भारत में जो मछुआरा समाज है, कोली समाज है, निषाद समाज है, आदिवासी समाज है, इनकी तकरीबन आबादी कितनी होगी और इसका आकलन कैसे किया जाता है कि इनकी स्थितियां किस तरह की हैं? क्या सरकार के पास कोई मशीनरी आपको नजर आई आपके अध्ययन में, आपके आकलन में, आपके ऑब्जर्वेशन में? बहुत गंभीर सवाल है आपका। मैं जो रिकॉर्ड आपको बताऊंगा वो रिकॉर्ड भारत सरकार का कहीं नहीं है, किसी अच्छा। राज्य के पास नहीं, किसी शासन के पास नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारों ने कोई रिकॉर्ड तैयार किया नहीं, आंकड़ा ठीक से नहीं बना है। अच्छा। जातिवार जनगणना आवश्यक है। 1950 में जब आप जातियों की सूची बना रहे थे तो उन जातियों की सूची बनाते वक्त तो आपके पास संख्या थी, आपने रिकमेंडेशन मंगवाया था 1949 में, जिसकी बात हर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कभी भी किसी जाति का लाभ किसको देना है किसको नहीं देना है, यदि ये बात आती है तो आपको 1949 की जो रिकमेंडेड सूची थी, जो उस समय की सरकारों ने भेजी थी, आपको उनको देखना होगा फॉर दी क्लैरिटी। यस। लेकिन वो कागज कहाँ है, किसके पास है जो क्लैरिटी करेगा? वो कागज नहीं देख करके घुमाते रहते हैं गोल गोल, बस इतना सा काम चल रहा है, जबकि उसका सॉल्यूशन ये है, आप उसको ऑनलाइन कर दीजिए, सारा समाज देख करके जान जाएगा, अधिकारी समझ जाएगा मेरे को इसको लाभ देना है, लेकिन वहाँ पे कुछ है। एक टेंटेटिव अगर आंकड़ों की बात करें तो कितनी आबादी होगी पूरे देश भर में? मैं एक आंकड़ा आपको बता सकता हूँ कि एक आंकड़ा क्या है जो मेरे रिसर्च में जो सामने आया है, वो बहुत ही सुंदर आंकड़ा है, लेकिन वो फिशर फोक के नाम से जाना जाता है। अच्छा। 3.77 मिलियन 2016 के आंकड़े। अच्छा। इसमें से जो फिशर फोक पॉपुलेशन, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये फिशर फोक कई लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हम, क्योंकि सारे लोग फिशिंग का काम नहीं करते, नहीं करते, हाँ, ठीक है, तो जो फिशर फोक पॉपुलेशन के रूप में हमको एक CMFRI से आंकड़े जो दिखे हैं वो, ये कोई संस्था है? हाँ, ये कोई संस्था है, मैं अभी इसका पूरा नाम नहीं बता पाऊंगा आपको,
3.77 मिलियन जो है वो फिशर फोक की पॉपुलेशन है और 1.53 मिलियन इसमें फिश जो कैप्चर करते हैं और उससे प्रसंस्करण से संबंधित जो लोग हैं ये इसमें जुड़े हैं, जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 3/4% है ओवरऑल पॉपुलेशन में। इसमें से जो 29.5% है वो बीपीएल श्रेणी में है। अच्छा, ठीक है, 29%, ओके, ठीक है, तकरीबन 30%। हाँ, ये 2011 के जो आंकड़े हैं सेंसस के ये कहते हैं। कश्यप साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात खुलकर सामने अभी आई है कि भारत में ये जो समुदाय है जो जल पर आश्रित है, फिशरी पर आश्रित है, ऐसे समुदायों का अलग अलग वर्गीकरण है, कहीं वो शेड्यूल कास्ट में है तो कहीं शेड्यूल ट्राइब्स में है, कहीं ओबीसी में है, क्या कारण है इसका कि इस तरह से एक ही कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग व्यवस्थाओं में क्यों रखा गया है और इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? जो हमारी सूची आई थी स्टेट से बन करके, जैसे भी बाबा ने बताया, उन सूची पे सरकार ने काम ही नहीं किया। जो रिकॉर्ड आया वो कुछ और था और जो अनुसूची बनी एसटी एससी ओबीसी की वो अलग बनी। अर्थात आपको देना क्या था और देना क्या चाहिए था, ये दोनों के बीच में अंतर आया। अब इन्होंने जब ये जारी कर दी, जारी करने के बाद में इन्होंने खुद उलझा दिया कि लगे रहेंगे और काम करते रहेंगे। आप देखिए, हम पंजाब में थे तो हमारे लोग राजा महाराजाओं को रहते थे, तो वो बेचारे क्या करते थे, ये कश्यप जी राजपूत हैं, कश्यप राजपूत हैं, उन्होंने उनकी जाति प्रमाण पर कश्यप राजपूत से बन गया। अच्छा, ये सरकार की नीति थी, हमारी नहीं थी। जहाँ हम पानी भरते थे वहाँ पर काहर कहा जाता था, जहाँ पर हम पेंगुइन पालकी वगैरह उठाते थे वहाँ पर हमारे पालकी वाला कहा जाता था। अब आप देखिए कि हमारे कर्म के हिसाब से जब सारे लोग जल के साथ काम कर रहे हैं तो उसका नाम कोई जल जीवन रख सकते थे, जल आधार रख सकते, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन उसको जानबूझ करके इतना डाइवर्ट किया गया कि आज की तारीख में 68 उनके नाम कर दिए गए। एक ही शब्द आपको बताऊँ, भोई भोवी भोही, ये एक ही शब्द को, यानी जो 30 किलोमीटर बाद कहते हैं लैंग्वेज बदल जाती है। तो उड़ीसा में भोई और आप गुलबर्गा के बाद जब इधर जाएंगे कर्नाटका में तो भोवी हो जाएगा। अच्छा, और जब ऊपर आप जाएंगे आसाम की तरफ तो भोई हो जाएगा। आप इधर चित्तौड़ में जाएंगे तो भोई राजपूत हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप इधर कोटा राजस्थान की तरफ आ जाएंगे तो धीमर भोई हो जाएगा। अच्छा, धीमर भोई का तात्पर्य उनका ये कि साहब आप जमीन का काम करते हैं इसलिए आप धीमर भोई। अच्छा, तो जानबूझ करके किसी भी चीज़ को जो पूरे देश के लेवल पर अनुशंसा होकर के नीचे से गई थी उसको सरकार ने पूरी तरह से नकारा, ये कहने में मैं कहीं संकोच नहीं करता। क्योंकि आप आज भी राजस्थान के नहीं, पूरे देश के, मैंने पूरे देश की राजधानियाँ, पूरे देश की जितने भी तीर्थ हैं वो घूमे हैं और मैंने ये पाया है कि सरकार ने पूरी की पूरी राज्यों की जो रिपोर्ट थी वो नकार दी और अपने हिसाब से उन्होंने पत्रक जारी किए, गजट जारी किए, कास्ट के सर्टिफिकेट जारी। अगर एक ही कम्युनिटी को विभिन्न उपनामों से उपजातियों में अगर हम उस प्रचलित कर दे रहे हैं कि आप ये लोग अलग अलग ग्रुप में बंट गए, क्या इम्पैक्ट क्या हुआ, निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है? राज्यों में TRI नामक एक संस्था बनाई गई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में अधिकारी होते हैं, अधिकारियों का एक चयन का सिस्टम होता है। इस सिस्टम के तहत उनको एक वर्क करके अपना जो अनुसंधान है वो राज्य शासन को पेश करना पड़ता है और वो जो रिपोर्ट पेश होती है वो सारे जिला अधिकारियों को, सारे SDM को और उनके मातहत जो कार्य करते हैं उन सभी को ये सूची जाती है। अच्छा, जिसको कि अपन लोग स्लैंग लैंग्वेज बोलते हैं, उस स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, सामान्य प्रचलन की बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा, उन नामों का वो कलेक्शन करते हैं। अच्छा, जैसे भोई ई की मात्रा, भोवी वह लग गया, ठीक है, बोईज इंग्लिश का है बोईज, लेकिन चूंकि वो कट ऑफ रहा ना तो उसने अपना नाम बोईज ही कर दिया। अच्छा, और उसके जो रिकॉर्ड है मिसल बंदोबस्त जिसको अपन कहते हैं, जिसके आधार पर बोलते हैं 50 का आपको लाना है अपना सबूत दिखाने कि आपका बोईज ही लिखा हुआ है। अब उसके में अगर बोईज लिखा हुआ है तो वो किसकी गलती है, मेरी गलती है, मेरे पिताजी की गलती है कि मेरे दादाजी की गलती है, किसकी गलती है, या उस लिखने वाले की गलती है जिसने उस समय के प्रचलित भाषा के हिसाब से, उसके अक्षर ज्ञान के हिसाब से वहां पे बिंदी लगानी थी कि नहीं लगानी थी, ये त्रुटि कर दी। अच्छा, अब इसकी जानकारी होना अधिकारियों को बहुत आवश्यक है और जब ये जानकारी उनको पुष्ट करनी है तो उनको 1949 का जो रिकमेंडेशन है उसको देखना पड़ेगा। मात्र
यही एक सुधार का तरीका है, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। जो इतने वृहद देश को, इतनी सारी जातियों को जो संकलित की गई है, इसकी स्पष्टता दे सके। और बार बार सुप्रीम कोर्ट में केस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए, माननीय न्यायालय है, मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मेरा जो विश्वास है वो ये है कि ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। जितने भी जाति के मामले लगे हैं, यदि वो अक्षर उनको दिखता है, वहां पर वो लिखा हुआ है, तो उनको अपने निर्णय प्रतिपादित करके एक साथ डिस्पोजल हो जाएंगे। अच्छा। मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों केस डिस्पोज हो जाएंगे और लोगों की जो जाने जा रही हैं आज इस जाति प्रकरण में वो बच जाएगी। दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चला है नई मुंबई में, और उस अधिवेशन के आप आयोजक रहे हैं, आप उसके मार्गदर्शक और प्रमुख तौर पर उसके प्रवर्तक रहे हैं। क्या खास बात इस बार इस अधिवेशन में और इससे समाधान का रास्ता निकलेगा? इस अधिवेशन में अपना भी अगर देखा हो तो ये है कि हम कैडर बेस की ओर गए हैं, और दूसरी बात हमारा विस्तार ये कि प्रतिनिधि सभा थी और इसमें 29 राज्यों के लोग पूरे एकत्रित हुए थे, और उन्होंने बड़े दिली और अपना एक समय बिता करके और समाज के लिए वो समय समर्पित किया है। मेरा अपना मानना है कि ये वो सारे प्रतिनिधि थे जिनके मन में, जिनके दिल में समाज की पीड़ा थी, और निश्चित रूप से जब हम ग्रास रूट पे इन सब से काम लेंगे या जाएंगे तब हमारे में एक जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी। और पिछले वर्ग से अभी तक में एक इसमें जो देखा गया वो ये था कि हमारा युवा वर्ग ऊपर आया। कोई जमाना था जब हमारे समाज के अंदर कोई भी नहीं था, न इंजीनियर था, न डॉक्टर था, न कोई नहीं था, क्योंकि ये तो रहते बेचारे, आप देखिए कि शहर से कम भी नहीं तो 20 किलोमीटर दूर पानी भरने की जगह होती थी, वहाँ से पानी भर कर ले जाते थे। मछुआरे तीन तीन चार चार दिन के बाद आते थे, तो उनके पास ना तो शिक्षा थी, ना राजनीतिक संरक्षण था, और ना ही उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आज स्थिति अब यह आ गई है कि हमारे पास में युवा जो है इस अधिवेशन के अंदर हमारे पास जजेस थे, आईएएस थे, इंजीनियरिंग थे, डॉक्टर्स थे, और विदेशों में काम करने वाले बच्चे जो भी कोरोना के बाद यहाँ आ गए वो भी थे, और पॉलिटिकल लोग भी थे। पॉलिटिकली को तो ये मान सकते हैं हम कि हमने अपनी यूनिटी के आधार उनको बुलाया। अच्छा। कि चाहे आप किसी पार्टी में काम करते हो पर हमारे साथ आप बैठ जाइए, क्योंकि इससे ये संदेश जाएगा कि समाज एकजुट हुआ है, समाज में भी संदेश जाएगा एकजुट हुआ है, और सरकार में भी ये जाएगा कि समाज एकजुट हुआ है। बिल्कुल। कुछ प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किए, कौन कौन से प्रस्ताव थे, क्या खास उनका मकसद था, मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबा जी। प्रस्ताव मुख्यतः समाज के विकास से, हम लोग कागजों पे तो बहुत कुछ लिख देते हैं लेकिन ग्रास रूट पे जब काम करने जाते हैं तो आज की जो वास्तविक आवश्यकता है रोजगार की है। सारी योजनाएं रोजगार को लेकर के चल रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 19 गोल्स अभी तक तय किए गए, 21 गोल्स, तो उन गोल्स को ध्यान में रख करके, इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहे हैं उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने समाज की एक रूपरेखा तैयार की, और मेरे ख्याल से ये अपने किस्म की एक पहली, अच्छा, एक मॉडल, एक अपन इसको कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल की योजना, 2 साल की, 3 साल की, अच्छा, ऐसा करके हम दीर्घ और लंबी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और इसकी जो जिम्मेदारी है वहाँ के जो ट्रेडिशनल फिशरमैन कम्युनिटीज के लोगों की जो संगठन है उनको हमने दिया हुआ है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम उनको फुलफिल कर रहे हैं, उनको रास्ता दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से अगर जाओगे तो ये हमारा समाज डेवलप करेगा। जैसे कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे व्यापार, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में हमने ये कहा कि यदि आपके पास में कोई सामान है जिसके कि आप बहुत बड़े स्टॉकिस्ट हैं, आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो आप उसको उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, है ना, आपके लोग हैं उनको सप्लाई कीजिए, ठीक है, आपको एक रिलायबल आदमी चाहिए ना। बिल्कुल। तो हाँ, इस जुड़ाव से ये एक संबंध बना, ठीक है, शादी ब्याह का संबंध बनेगा, बिल्कुल, व्यापार का संबंध बनेगा। दूसरा जो है, आपको ध्यान होगा हर जगह पे कहीं भी बाढ़ आती है, तूफान आता है, या किसी पर्यटन स्थल पे कोई डूब रहा होता है, सबसे पहले बोलते हैं भाई मछुआरे को बुलाओ, बिल्कुल, है ना, हाँ, जो तैर करके निकालेगा। आज भी कोई सुसाइड करता है तो उसको निकालने के लिए यदि वहाँ पे व्यक्ति उपलब्ध नहीं है गवर्नमेंट का, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का, तो मछुआरों को बुलाते हैं, वो अपना जाल फेंकते हैं और वहाँ से फिर वो सामान निकाल करके लाते हैं, ठीक है। तो जब इतना स्किल है, स्किल पे गवर्नमेंट का फोकस है, इतना स्किल है तो इस कम्युनिटी के पास जब स्किल है, ट्रेडिशनल स्किल, तो इस ट्रेडिशनल स्किल को बना के रखने के लिए, क्योंकि ये भारत की इंटीग्रिटी के लिए बहुत आवश्यक है, विकास के लिए बहुत आवश्यक है, तो इस स्किल को और प्यूरिफाई करने के लिए हम तो बोलते हैं कि हमारे समाज के लोगों को आप मास्टर ट्रेनर बनाइए,
वही तो आपको बताएंगे मछली कैसे पकड़नी है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या, आप बड़े बड़े जाल तो समुद्र में लगा देते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां से जब मछलियां निकालते हैं तो आप मछली तो निकालते हैं लेकिन उसके साथ में जो बहुत बारीक चीजें होती हैं वो भी निकल के आ जाती हैं, जो कि भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है, छोटे नावों में जो जल जीवन के लिए नुकसानदायक होती है, बिल्कुल ना, जो जो बायोडायवर्सिटी को जो प्रिजर्व करते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं ना, वो उनके लिए वेस्ट है, वो उसको फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो छोटे नाव जाते हैं वहां पे तो वो उन छोटी चीजों को छोड़ देते हैं पानी में, क्योंकि उनको पहचान है ना सदियों से, भाई इसको नहीं छूना, इसको रख दो अंदर, ये काम आता है, इसको ये मछली खाती है, उसको वो खाता है, ये पौधा ये काम का है। तो ये हमारी एक जानकारी है, ठीक है। पहला हो गया व्यापार, दूसरा जो हमारा था वो था कल्चरल डेवलपमेंट, है ना। अभी हम कई अधिकारियों के पास बैठते तो बोलते हैं आपका तो कल्चर ही नहीं है आदिवासियों जैसा, ठीक है। अब आप ये बताइए कोली नृत्य कब से चला आ रहा है, ठीक है, आप तो मुंबई में रहते, तो कोली नृत्य क्या हमारा कल्चर नहीं है? बिल्कुल, वो बोलते हैं आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, हम बोलते हैं आप हमारे साथ चलो, हमारे जैसा आइसोलेट रह के बताओ आप, बिल्कुल। आप जियोग्राफिकल आइसोलेशन यदि सिर्फ सोचो कि पहाड़ में है तो निषाद राज तो पहले पहाड़ में ही रहते थे, विंध्य प्रदेश जो है वही रहते थे। आप जाकर के सीधी सिंगरौली की तरफ देखिए, जो वहाँ पे केवट समाज रहता है उसको आप जाके देखेंगे, तीनों तरफ से आप भी तो डैम करके पानी रोका हुआ है बिजली उत्पादन के लिए, अभी भी वो लोग एकदम रिमोट एरिया में रहते हैं जहां से आपको आने जाने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इतने रिमोट एरिया में रहते हैं वो लोग, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज जब आदमी आप गाँव में देखेंगे अभी भी जो निषाद जाती है या जो मछली मारने वाले हैं पानी भरने वाले हैं उनके घर आप देखेंगे ना तो गाँव से बाहर नदी के किनारे, ठीक है। ये आइसोलेशन है, इसको समझना पड़ेगा, सिर्फ कागज में लिख देने से कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन पहाड़ों में पाए जाते हैं इसलिए इनको मिलेगा, ये नहीं है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, बहुत बारीक चीजें हैं, इनको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज जो हम लोगों ने करी है वो है कि हमारे समुदाय में एक कहा जाए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं ना, जैसे अभी समाज का जिक्र किया, इस एरिया में ये नाम, इस एरिया में ये नाम, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में आप कोली कहलाएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपका केवट मिलेंगे, निषाद मिलेंगे, और थोड़ा ऊपर चलेंगे तो जबलपुर की तरफ आपको धीमर मिलेंगे, और ऊपर चलेंगे तो आपको कहार मिलेंगे, और ऊपर चलेंगे तो फिर निषाद मल्लाह मिलेंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे तो मल्लाह जो है वो SC की सूची में भी है और OBC की सूची में भी, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही हैं तो ये आपको कब आएगा, जब आपका अध्ययन संपूर्ण होगा, ठीक है। अंग्रेजों ने जो अध्ययन किया है वो इतना परफेक्ट है, ठीक है, उस जमाने के हिसाब से, और उसी का संदर्भ आज भी लेते हैं लेकिन चीजों को नहीं देखते, कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, उसको पूरा करना आवश्यक है। एक बात आपसे कश्यप साहब जानना चाहेंगे कि इतना कुछ हो रहा है, तमाम यहाँ पर इस मंच पर आपके नेता आए, कई राज्यों के मंत्री आए, बहुत प्रमुख जो आप बता रहे हैं खुद प्रोफेशनल लोग आए, जैसे IAS आए, IPS आए, तमाम रिटायर अधिकारी और जज भी आए इस मंच पर, क्या इतने प्रबुद्ध लोगों के आने से आपको अब भरोसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर इनकी मदद मिलेगी, इनके इंटेलिजेंसिया का फायदा इस पिछड़े समाज को होगा और वो मददगार बनेंगे? देखिए, राजनीतिक लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी पार्टी खिलाफ नहीं जा सकते। हमने तो इन सबको बुला करके और हमारे समाज और इन दोनों को एक प्रयास किया है कि हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, व्यापारी हो, IAS हो, IAS या राजनीतिक पार्टी हो, JU हो, BJP हो, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन हम यहाँ सिर्फ समाज हैं और समाज के नाते हमारा अस्तित्व यही है। तो यहाँ आने से एक बात संदेश गया है हमारे समाज में भी, सरकार में भी, पार्टियों में भी, कि भाई ये लोग कम से कम यहाँ आकर के राजनीति से हट करके एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और यही नहीं, जो लोग कुछ हमारे देहरादून में आए थे वो 10 जैसे राजनेता थे, सांसद थे, मंत्री थे, दादाई दाते थे, OBC के चेयरमैन थे, SC ST के थावरचंद जी थे, ये लोग इसमें नहीं आए, इसमें वो लोग आए जो दूसरे थे। तो हमारा हर जगह जहाँ भी जाते हैं हम तो 10 से 12 लोग इधर के होते हैं, 10-12 लोग उधर के होते हैं, तो बदलाव रहता है। इसलिए ये जो संदेश है ये सीधा सीधा हमारे जो समाज है कम से कम उसके अंदर ये गया, और बच्चे, नए बच्चों के अंदर निश्चित रूप से ऊर्जा उत्पन्न हुई है कि हमारे अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, बुलंद होगी आम जनता की आवाज़।
नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा। नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसकी नजर में देखे। डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवी और इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम। तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। कोई इस पूरे अधिवेशन में जो एक बात मुझे जो समझ में आई ये कि पूरे देश में अभी भी जो व्यापक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जो आकलन होना चाहिए इस समाज का, वो अभी तक नहीं हुआ है। आप एक सुझाव देते हैं सरकार को कि जातिगत आधार पर अगर जनगणना हो तो निश्चित तौर पर जो जातियों का वर्गीकरण है वो समझ में आएगा, उनकी स्थितियों का आकलन होगा और फिर उनके लिए योजनाएं बनानी आसान होगी। तो आपके सुझाव के अनुसार जातिगत जनगणना होनी चाहिए जबकि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जनगणना क्या है? जनगणना तो मैं अभी कंप्यूटर पे कर दूं पूरे देश की। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसका एक फिक्स फॉर्मूला है। यदि आप गणना नहीं करते हैं तो आपको 5 या 10% उसमें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको जोड़ना है और आपको संख्या रख देनी है। अच्छा, वो आपकी जनगणना होगी। जैसे यहाँ 10 परिवार हैं तो अपन ने निकाल लिया भाई, ठीक है 10 परिवार में कितने बच्चे बालिग हो रहे हैं किस समय से, तो वो कंप्यूटर अपना बता देगा कि भाई 100 बच्चे बालिग हो रहे हैं। अच्छा, एक एवरेज, एवरेज निकाल के दे देते हैं। जनगणना एवरेज है और कुछ नहीं है। अच्छा, जनगणना की सबसे काम की बात जो होती है वो होती है उसके अंदर लिखे हुए हाउस होल्ड्स, उसके अंदर लिखे हुए कितने रोजगार वाले हैं, कितने लोग महिला पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितना मोर्टेलिटी है, कितना आपका जन्मदर है और किस आज डेवलपमेंट स्टेज पे क्या है, किनके पक्के के घर हैं, कितने के कच्चे के घर हैं, कितने लोग माइग्रेट किए हैं, कितने लोग नौकरी के कारण माइग्रेट किए हैं, ये सब जानकारियां जनगणना के द्वारा हमको पता चलती है एक्चुअल में जो है। थोड़ा सा अगर अनुमति देंगे तो इसके इतिहास के बारे में आप बताइए। बिल्कुल, इसका जो आपका जनगणना एक्चुअली शुरू होती है वो अंग्रेजों के द्वारा की गई है। बहुत अच्छी एक योजना थी, ठीक है, देश को बांधने की एक सबसे अच्छी योजना है, किसी भी देश को विकास करने की जो योजना है वो अंग्रेजों ने दी है। मैं उनका बहुत आभारी। अच्छा, ठीक है, आज भले ही आप बोले कि हमको गुलाम बना के रखा, कुछ बना के रखा, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो दिया है आंकड़ों के रूप में, क्योंकि आंकड़ों से ही आप आज पूरा जो भारत चल रहा है वो आंकड़ों पे चल रहा है, वो उन्हीं के दिए आंकड़ों पे चल रहा है। अभी भी आप किसी भी रिसर्च अधिकारी से पूछेंगे कौन से आंकड़े उठाते हो तो बोलेंगे भाई हम रसेल एंड हीरालाल को उठाते हैं जो 1916 का सबसे ऑथेंटिक आंकड़ा है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आप इनके हर कागज में सिर्फ इन किताबों का नाम पाएंगे, विलियम क्रूक, एच एच रिस्ले, आर बी रसेल, आपका हंटर हटन एंड शुबर्ट, ठीक है, और के एस सिंह। अच्छा, इतने किताबों का आप जिक्र पाएंगे क्योंकि यही सबसे ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। आज हमको आपको, ठीक है, वो चीजें नहीं मालूम है जो उस समय अंग्रेजों ने लिख के गए। अच्छा, हमारे समाज के बारे में, आपके समाज के बारे में, मेरे समाज के बारे में, इन जो जनता बैठी है इनके समाज के बारे में। अच्छा, एक एक चीज लिखी है, एक एक चीज, मतलब बारीक से बारीक चीज आप खोजना चाहेंगे ना जो आज के लोग नहीं कर पाए। अच्छा, हमारे नृत्य क्या थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे चलते थे, कहाँ रहते थे, कितने घर थे, सारी चीजें उसमें है। उसके साथ में एक हर सेंसस के साथ में पीपल ऑफ इंडिया करके एक पब्लिकेशन होता है। अच्छा, भारत के लोग, ठीक है, ये एक प्रकाशन होता है जिसमें जातियों का समुचित रीति रिवाज रहन सहन इसका विवरण होता है। अच्छा, इसी आधार पर पीपल्स ऑफ इंडिया, हाँ, ये काम करता है जो पूरा देश का सिस्टम है। अब अगर जनगणना करते हैं जातिवार जनगणना तो मैटर दो जगह पे उलझा हुआ है। एक तो ये कि ऐसा कौन अधिकारी है जो इन चीजों के बारे में पूरी तरीके से जानता है, जो कंपाइल कर सकता है। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है वो तो वही जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी आपको जातियों के संबंध में कोई विवाद ऐसा आपकी जानकारी में होगा कि कई लोगों को नौकरी से निकाला गया, आप फर्जी प्रमाण पत्र धारी, हाँ, आज मैं आपको स्थिति बताता हूँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की। एक जाति है हमारी माझी, ये जो माझी जनजाति है ये जनजाति है, लेकिन इस के अंदर जो लोग हैं इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन निकाला है इसके कुछ अधिकारियों के द्वारा जो सजेस्टेड था, वो क्लैरिफिकेशन निकाला है कि द्रविड़ माझी, आर्यन माझी और पदनाम माझी। अच्छा, पदनाम माझी मतलब यदि आप गांव के मुखिया, आपको माझी कहा जाता है सरपंच के रूप में जैसे होता है। दूसरा हो गए जो आर्यन माझी,
भाषा के आधार पर उन्होंने आर्यन लिख दिया या किस आधार पर लिखा वही जाने, लेकिन उन्होंने लिख दिया आर्यन माझी, और नीचे क्या लिखते हैं, नदी पार कराने के कारण ये माझी कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये केवट दीवार का हर जाति आते हैं, और उसके ऊपर लिखा है द्रविड़ माझी, जिनको संविधान के तहत आरक्षण की पात्रता है। अच्छा, लेकिन उसका विवरण कुछ नहीं बताते। जब कंपेयर करना होता है तो वो द्रविड़ माझी से करते हैं। द्रविड़ माझी कौन है, इनका रेफरेंस कहाँ से मिलता है, इसका विवरण क्या है, 1949 में क्या इसका विवरण दिया गया था, कंपैरेटिव आपको स्टैंडर्ड तक रखना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो स्टैंडर्ड नहीं रखते हैं कहीं भी। हम बोल रहे हैं द्रविड़ है, उसको मिला है लाभ, ठीक है। हम बोले द्रविड़ है तो द्रविड़ है, ठीक है, हम देंगे। हम किसी आदिवासी का लाभ नहीं लेना चाहते साहब, ठीक है। बहुत खुददार लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, एक मछली निकालते हैं उसको खाते हैं, ठीक है। तो किसी का भी लाभ लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो जो द्रविड़ माझी है, जब हम उनसे पूछते हैं कि ये जो द्रविड़ माझी है इसका आप रिकॉर्ड दिखा दो कहाँ पे है, तो वो बोलते हैं नहीं, हम बोल रहे हैं ना ये द्रविड़ माझी है, ठीक है, चलो द्रविड़ माझी है। द्रविड़ आर्यन को क्या संविधान में लिख करके दिया गया है कि द्रविड़ को देना है कि आर्यन को देना है? संविधान की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट करती है वो लिखती है कि द वर्ड शुड बी सीन एज इट इज रिटन इन द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में लिखा है माझी, और माझी का जो रिकमेंडेशन मेरे पास में है उसमें साफ लिखा हुआ है 1949 के तहत केवट भीमर भोई, ठीक है, मल्ला, ये लिखा हुआ है। तो जब ये कागज लिखे हुए हैं 8 नंबर पर है, और ये आज का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 1950 का डॉक्यूमेंट है, रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन है, ओके, ठीक है। अब जब यहाँ लिख रहा है माझी मतलब केवट मल्ला भोई और धीमर ब्रैकेट में करके, तो ब्रैकेट में तभी लिखा जाता है जब उस नाम को सरकार एक करती है। और ये एक भी कैसे किया गया है, उस समय जबलपुर में एक अखिल भारतीय धीवर महासभा है, उसने अपना एक अधिवेशन किया था, जैसे आज का अधिवेशन हुआ है वैसे एक अधिवेशन किया गया था, और उस समय हैदराबाद के प्रीमियर को लिखा गया था, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। रेजोल्यूशन में लिखा गया था कि भारत सरकार को यह रिजोल्व किया जाता है कि मल्लाह केवट कैबरता जालिया कोली कहार मांझी भोई निषाद एंड सच अदर कम्युनिटी एज वन कम्युनिटी माना जाए, एक कम्युनिटी मानी जाए, ठीक है। और उस समय के बाबा साहब अम्बेडकर का जो ऑफिस था, ठीक है, वहां से उनको लेटर आता है, उनकी नोटशीट में है सब चीजें, मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, उनकी नोटशीट में लिखा है विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर 190 डेटेड 6 December 1949 टू द ऑनरेबल द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द धीमर कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव बॉडी, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट सो फार एज हैदराबाद स्टेट इज कंसर्न धीवर हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड अमंग द शेड्यूल ट्राइब फॉर द आप जैसे संस्था चलाने वाले लोग हैं या जो लीडर हैं अलग अलग पार्टियों के, इसके पीछे का खेल क्या है कि आखिर जो चीज क्लियर नोटिफिकेशन में 1950 में लिखी गई है, आजादी के इतने साल बाद भी आखिर जो लिखा गया उसको मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है लोग? आखिर कौन लोग हैं जिसमें खेल कर रहे हैं कि आज तक उनको उनका हक नहीं मिल रहा है? स्प्लिट अप करने से इनको राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा लाभ है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं मल्ला का, मल्ला दिल्ली के अंदर आरक्षित भी और नहीं भी, नहीं भी, हाँ। अब वो अपना फार्म जमा करता है किसी सरकार के लिए, वहां की सरकार के लिए, क्योंकि वो बाउंड थी, उसने रिकमेंड की थी कि इसको एससी में लिया जाए, तो उन्होंने तो ले लिया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको अनुसूची में नहीं जोड़ा। अच्छा, तो वो बेचारा केंद्र की किसी भी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, अब बताइए नेशनल टेरिटरी के अंदर एक आदमी के साथ डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड, हाँ। राज्य में तो बेचारा अप्लाई कर सकता है कि मैं क्लर्क के लिए एलिजिबल हूँ या किसी के लिए, और केंद्र कहता है नहीं 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 मैम सर्टिफिकेट नहीं मानते आपका, क्योंकि हमारी सूची में आपका नाम ही नहीं है। अब इससे बड़ा धोखा किसी भी चीज से, सरकार से, राजनेताओं से, मेरे ख्याल में इतना बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया नहीं है दिल्ली का जो उनके पास समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, बिल्कुल सही है। तो ये जो इसको पूरा योजनाबद्ध तरीके से, एक जो संगठित समाज है, एक जो संगठित राजनीति है, जो जिसको मैं शूट पॉलिटिशियन कह सकता हूँ, उन लोगों का ये पूरा गेम है, और ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि अपने अपनी राजनीति को यही कह दीजिए कि अब इनका फॉर्मूला ये हो गया हाउ कैन विन द इलेक्शन, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। अब हमें अपनी
दमदारी, अपनी ताकत, अपनी जो भी बातें हैं, और ये सारा हमारा सर्वे अर्वे हो रहा है, हम अपनी लेवल पे कर रहे हैं, जातियों के स्टेट में ले रहे हैं, और आज हम जो लगभग 22 करोड़ हैं, आप देखिए कि लोग बाग 12 करोड़ 18 करोड़ से डर रहे हैं, और हम 17 से 18% हमारे से नहीं डर रहे, क्यों कि हम एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। भाव मार्तंड जी, एक तरफ कश्यप साहब कह रहे हैं कि भाई हम लोग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, ये सारा जो मैथमेटिक्स चल रहा है लोगों को जोड़ने का, लोगों की संख्या पता करने का और उनकी स्थितियों का आकलन करने का, एक तरफ तो ये बात चल रही है, और दूसरी तरफ बात चल रही है कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ आने वाले समय में हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ हो, इस तरह के अधिवेशन जो हो रहे हैं खासकर जातियों को लेकर जो हो रहे हैं, ये अंदर खाने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, और इसमें इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है, ये तैयारी अगले चुनाव में इस पूरे कम्युनिटी को भुनाने की है, उनकी संख्या को भुनाने की है, उनका वोट लेने की एक तरह की रणनीति हो सकती है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लीजिए ना वोट, कौन मना किया है, हम तो वोट देने को तैयार हैं, क्यों नहीं लेंगे? 1950 का जो आप गजट की बात कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया था ना। हाँ, बिल्कुल। उस समय के जो राजा महाराजा थे, ठीक है, उन्हीं को आपने मंत्री मुख्यमंत्री बनाया ना, बिल्कुल, कि ये गांव के आदमी को बनाया नहीं बनाया, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात आती है, तो 1950 का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, प्रेसिडेंशियल एक्ट के अंतर्गत, तो उस एक्ट के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो हर एरिया से उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया है ना, कोई भी समाज है कितना प्रतिशत है उनका रिप्रेजेंटेटिव, एक देना है, दो देना है, सीट देनी है, तो ये सीट देने के लिए ये व्यवस्था प्रदान की गई थी, है ना, जैसा हम लोग अक्सर सुनते हैं 10 साल की व्यवस्था दी गई है, है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है ये तो जाति आधार पर ही किया गया ना, कि और किसी आधार पर किया गया आपने, ठीक है, कहीं पर आपने नहीं दिया, हिमाचल में सॉरी उत्तराखंड में आपने नहीं दिया, ठीक है, जबकि वहाँ पे समाज कितना बड़ा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अभी हमारे एक थे कैंडिडेट, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया वहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, युवा है, ठीक है, लेकिन उनको कैंडिडेचर नहीं मिला, ठीक है। इस कैंडिडेचर को नहीं मिलने के पीछे माननीय रावत जी ने भी स्पष्ट कह दिया कि भाई देखो भाई वहाँ तो समुदाय जो है समुदाय आधारित होता है, और वहाँ तो हमेशा से वही चला आ रहा है, और आपका समुदाय बहुलता में नहीं है, इस कारण से सीट नहीं देंगे, उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी, ठीक है, फिर भी हम तो प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही एकमात्र तरीका है जो हमें संविधान प्रदत्त है, और इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेना हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम निभाने के लिए जागरूकता कर रहे हैं अपने समाज के बीच में, और ऐसी जागरूकता हर पार्टियां कर रही हैं, इवन जो निषाद पार्टी बनी है वो भी यही जागरूकता कर रही है कि जागो जागो, इससे पहले आपने निषादों का नाम नहीं सुना, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्तर दिया उसको, ठीक है, लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सामाजिक तौर पर एक जागृति तो आई समाज में कि भाई राजनीति ऐसे भी की जा सकती है, ऐसे भी की जा सकती है, ठीक है, लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक स्तर पर देना जरूरी है, इतने बड़े समाज को जब तक आप प्रॉपर प्रतिनिधित्व दे करके पार्लियामेंट हाउस में नहीं भेजेंगे, तब तक आपके देश के विकास के लिए सही नीतियां नहीं बन सकती, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले यदि किसी को डिस्टर्ब किया है तो वो जो हमारी नेवी थी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ, और नेवी में काम करते थे ये मछुआरे, ठीक है, उस नेवी को डिस्टर्ब किया, तब जाकर के भारत देश को उन्होंने जीता, तो यदि आपको आज भारत का सही विकास करना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का या कोई भी अन्य जो प्रधानमंत्री आते हैं उनको यदि सही विकास करना है, तो इस सोसाइटी की ट्रेडिशनल समझ को लेकर के बहुत ज्यादा विकास किया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो भी पैसा दे रहा है, ठीक है, वो इस सेक्टर के लिए खास तौर पे दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये फिगर्स बाहर नहीं आते हैं, और ये घटनाएं भी नहीं आती, किसी एक अखबार ने छोटी मोटी एक खबर छापी थी कि ऐसा करना है। आपने जिक्र कर दिया मेरे सवाल का, चूंकि मैं उसी पे आना चाहता था, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि अब तमाम ऐसे लोक प्रतिनिधि जैसे MP आ गए हैं, चुन के सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए हैं कम्युनिटी के लोग, इसके बावजूद भी क्या जो बन गए हैं वो सही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या प्रधानमंत्री इस बात को लेकर गंभीर नहीं है? बहुत सही सवाल पूछा, मेरा ये पसंदीदा विषय रहा है, ठीक है, पसंदीदा इसलिए रहा है क्योंकि सब ये कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप गलत बोल रहे हो, आप ये प्रधानमंत्री जी से खुद भी पूछोगे ना तो बोलेंगे मैं आज देश का विकास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
आज आवश्यकता है देश की, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, ये आज की आवश्यकता है। ये बच्चे जो आज हैं, ये टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चल रही है, हम तुरंत व्हाट्सएप पे खबरें डाल देते हैं, तुरंत डाटा निकाल करके बता सकते हैं हमारा आपका बच्चा हमसे ज्यादा तेज कंप्यूटर जानता है, आंकड़े ज्यादा उसके पास है। कोई भी प्रधानमंत्री या जो देश के राजनीतिक नेतृत्व रहता है, कभी भी वो गलत काम नहीं करता है, वो उस समय उस काल के हिसाब से उस काम को निभाने की कोशिश करता है। ठीक है, आज मीडिया बहुत ज्यादा प्रचार करता है किसी भी चीज का, और जिसका जितना प्रचार होगा ठीक है उतना अच्छा उसका, इसी को तो अपन कहते हैं ना जागरूकता लाना। तो ये क्या मान सकते हैं कि आज से 12 साल पहले, ये तो 13वां साल है आपका, 12 साल पहले ये हम अभी कह सकते हैं कि 13 साल 12 साल पहले सही कागज नहीं गया, चाहे आपकी संस्था के तरफ से नहीं गया? बिल्कुल गया है, हर समय सही कागज गए हैं, कागजों पे काम हुआ है ठीक है, लेकिन जो एक सिस्टम बना हुआ है कागजों के दौड़ने का, वो सिस्टम कहीं ना कहीं पे खामीपूर्ण हो सकता है, उसमें खामियां हैं, कमजोरी है। कश्यप साहब, आपको कितना भरोसा लग रहा है कि अब आपके प्रस्तावों को जिस तरह से प्रधानमंत्री तक भेजने की कोशिश चल रही है, शुरुआत हुई है, आपको लगता है कि वाकई इस पर ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है? ये अभी 8-10 सालों से जब से हम इस काम को करने लगे हैं, तब से हमने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार को मजबूरन करना पड़ा या हमारे कारण करना पड़ा, ये मैं नहीं जानता। देखिए, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के अंदर ही मत्स्य विभाग आता था, आज मिनिस्ट्री मत्स्य विभाग की अलग, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, आज उसके अंदर 11 लोग हमारे लिए गए, वो कम से कम उस बोर्ड के अंदर बैठ करके हमारी दशा और दिशा को तो सरकार को देंगे, और ऐसा मेरा मानना है कि जब उस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आएगी तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। इसके पहले कभी भी कोई रिपोर्ट सरकार ने हमारे समाज के बारे में ना मंगवाई और ना ली। तो ये 2-3 जो काम हुए हैं, जैसे फिस्को फेड, भारत में चलने वाली समस्त हमारी जो जातियां हैं, समस्त जो हमारे मछुआ भाई हैं, उनकी समितियों का फिस्को फेड बना है, और वो केंद्र स्तर पर एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है उस बोर्ड के अध्यक्ष को, और वहाँ पर वो समितियाँ सारा अपना रिपोर्ट देती हैं, उसके बाद में सरकार उनको आर्थिक मदद भी करती है, प्रशिक्षण भी करती है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा दबाव है या उन्होंने इस परिस्थितियों को देख के दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ गेन कर पाए। आपने कहा था कश्यप बोर्ड बनाने की मांग भी आपने की है, जी कितना कारगर होगा, कैसे इसका कामकाज होगा, अगर अगर आप उसको ये अगर दलील दे रहे हैं कि कश्यप बोर्ड बनाया जाना चाहिए, तो उसका कामकाज किस तरह का आपके मन में है कि ऐसा कामकाज होगा तो निश्चित तौर पर ये बोर्ड जो है उत्थान के लिए काम कर पाएगा? जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी DPR पहले बनती है, और जब सरकार बोर्ड या आयोग बनाती है उसका भी एक खाका बनाती है। हमारा जो प्रस्ताव है, सरकार क्या करेगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा जो प्रस्ताव कहना है कश्यप बोर्ड अर्थात ये सब जातियाँ, अच्छा ठीक है सर, इन सब जातियों के बारे में जो चेयरमैन होगा वो कश्यप होगा, उसके साथ जो 11-21 आदमी लगाए जाएंगे वो भी कश्यप होंगे, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो IAS में से होगा, जो उन सब के विचारों को संकलित करके सरकार को भेजेगा। तो हमारा ये मानना है कि जब सरकार को वो रिपोर्ट जाएगी तो सरकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई निर्णय लेगी। मंडल आयोग बना, मुझे नहीं लगता था कि उस जमाने के अंदर मंडल आयोग के बारे में इतना बड़ा भूचाल आएगा, लेकिन जब BP सिंह ने मंडल आयोग लागू किया तो देश के अंदर पूरा भूचाल, बिल्कुल। इसलिए ये मैं मान के चलता हूँ कि कश्यप बोर्ड जब भी हमारी सारी समस्याओं को लेकर केगा, सारे समाधान की ओर जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। क्या 5 प्रमुख मांग होगी केंद्र और राज्य सरकारों से, खासकर केंद्र सरकार से, कि ये 5 काम कर दीजिए, 5 मुद्दे ऐसे, हमें 5 ऐसी मांग आप सामने अगर रख सकते हैं तो रखिए जो केंद्र सरकार से सीधे तौर पर हो। देखिए, हमारा सबसे पहले तो ये कि हमारी जो दीन दशा है वो वास्तव में आरक्षण की है, और उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि ये इतना शोषित और दलित समाज एकदम उठ पाएगा। हाँ, तो हमारी स्थिति जो है उसमें मुझे नहीं लगता इतना बैकलॉग है कि रातों रात ये लोग बेचारे बदलाव नहीं आ सकता। देखिए, हमारे लोग जब तक लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राज्य परिषद में नहीं जाएंगे, हमारी आवाज़ उठाएगा कौन? तो उनको कहीं ना कहीं हमें लाभ देना होगा, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि हम पॉलिटिकली हो गए। आज कुछ भी हो, RSS वाले कहीं सीधा टिकट किसी को नहीं देते, लेकिन विचारधारा के आधार पर कि आदमी ठीक लगता है हमें मदद करनी चाहिए, तो उस रास्ते में हम चल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम कांग्रेस, BJP, बस किसी से भी हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, ये तय है।
कोई आखिरी संदेश राजाराम कश्यप साहब क्या देना चाहेंगे पूरी कम्युनिटी को? हमारा तो अभी वर्तमान में सभी लोगों को एक संदेश है कि हम जो भी हमारे दुर्गुण हैं उन्हें छोड़ें, बच्चों की सबसे पहली शिक्षा के बारे में संकल्प लें, उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ संगठित करें, और जहाँ तक मेरा मानना है कि शिक्षा और संगठन के बाद में अपने राइट के लिए बच्चा खुद ही संघर्ष कर लेता है। क्या कहेंगे आप युवाओं से, क्या संदेश युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? खूब पढ़ो लिखो, जो पढ़ सकते हो पढ़ो, जहाँ से पढ़ सकते हो पढ़ो, और अपने समाज को जोड़ो, उसके विकास के लिए थोड़ा भी अगर आप समय निकालते हो ना अपने व्हाट्सएप मोबाइल से, तो वो हमारी उपलब्धि होगी। समाज की बैठकों में आओ, समाज की बैठकों में समझो क्या होता है, समाज के लिए निर्भीक होकर के जो सही है उसको करे और समाज की मांगों को पूरा करे, तो वो भी हमारे लिए सम्माननीय होगा, श्रद्धेय हो जाएगा और शासन अपना काम करते रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजाराम कश्यप साहब को और कार्याध्यक्ष बाबा मार्तन जी को। आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया और यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये पूरे देश भर में जो फैली हुई और बिखरी हुई कम्युनिटी है उसको कैसे एकजुट करने की तैयारी चल रही है, प्रयास चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों का जो मिशन है वो मिशन कामयाब हो और जो पिछड़ा और वंचित समाज है वो भी आगे बढ़े, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे पर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।